हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ हो रही है हमारी इंडियन फैमिली की सुबह, और जैसे कि होती है जिंजर वाली, अदरक वाली कड़क चाय के साथ, तो हो रही है हमारी भी गुड मॉर्निंग चाय के साथ। तो चाय पीने के बाद हम लग गए काम में। तो यहाँ हमारे कुछ वेजिटेबल्स आए थे जो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, तो मैंने सोचा अपने जो मॉर्निंग दिखा ही रही हूँ आप लोग के साथ, तो दिखा दूँ। ये सब भी तो उसी मैड है, तो मैं टैप वाटर से ही क्लीन करती हूँ और रनिंग वाटर से ही इसको फोर्स में वाटर चला देती हूँ। उसके नीचे सारे वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स रख देती हूँ बस, और कुछ सॉल्यूशन वगैरह नहीं ऐड करती हूँ। इनफ है इतना, अगर अच्छे से आप वॉश करके रख दें। पहले लगता था यार ये वॉश करना कितना मुश्किल है, सब आता है वॉश करो रखो, बट फिर लगता है यार हम लोग कट करने के बाद तो वॉश करते ही हैं, तो क्यों ना पहले करके रखें। तो ऐसा होता है कि गंदगी थोड़ी ना बहुत रहती ही है, वो निकल जाती है, इससे हमारी फ्रिज भी क्लीन रहता है, तो एक तरफ से देखा जाए तो फ़ायदा ही है। सो थोड़े बहुत आप भी रनिंग वाटर टैप के साउंड सुनिए और मजे लीजिए ASMR की तरह, जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं। तो ये भी है। सो हमारे यहाँ कुछ आए या ना आए, भिंडी आनी चाहिए भाई, क्योंकि हम दोनों की ही फेवरेट है। मेरी फेवरेट कम हो गई जब से हस्बैंड को देखा, उनकी इतनी फेवरेट है कि मेरी फेवरेट कम हो गई, वरना मैं भी भिंडी मुझे बहुत पसंद था। लेकिन वही होता है ना, किसी और को इतना ज़्यादा पसंद हो जाए तो आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपनी पसंद पे। सो यहाँ पे देखिए कितनी भिंडी क्लीन दिख रही थी, बट देखिए इसमें से कितना गंदा निकला है। तो इसको मैंने दो बार क्लीन किया, उसके बाद मैंने इसको रख दिया। ड्राई होने के बाद सारा मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं एक मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये भाजी मसाला भी कह सकते हैं, ये भुजिया वगैरह जो भी ड्राई या वेजिटेबल्स बनाते हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाला एक चम्मच, मैंने धनिया डाला, जीरा थोड़ा सा कम और धनिया क्वांटिटी मैंने ज़्यादा लिया था। यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च, और अगर आपको तीखा पसंद हो तो, मैंने अवॉइड किया क्योंकि बाबू भी खाने वाला था। तो यहाँ पे मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी बिल्कुल मीडियम आंच पे, इसको भून लेना है अच्छे से। जब इसमें से एक सोंधा वाला स्मेल आने लगे, जलाना नहीं है बिल्कुल, एक सुनहरा कलर का जब ये हो जाए तो इसको नीचे उतार ले और इसको क्रश कर लेना है। तो इसको ऐसे ही चलाते चलाते छोड़िएगा मत, वरना ये बर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा डन हो गया, इसको हम तो यहाँ पे हम कूटनी की हेल्प से इसको क्रश कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा बहुत गर्म हो तभी थोड़ा सा क्रश कर लें, तो ये बहुत अच्छे से पाउडरी फॉर्म नहीं करना है, इसको थोड़ा सा दरदरा रखना है। तो ये देखिए ये डन हो गया है हमारा मसाला, अभी भी गर्म इसलिए भाप निकल रहा है इसमें से। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं सब्ज़ी आलू जीरे की। तो यहाँ पे मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में आहा सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो इसलिए मैंने पैन में थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, पैन गर्म था हमारा इसलिए देखिए जीरा चटकने लगा है। तो इसमें थोड़ा सा हम लाल मिर्च डालेंगे, तो सूखी हुई लाल मिर्च है, तीखी नहीं है, तो मैंने एक डाला है। और इसको और इसके बाद जब ये थोड़ी सी गर्म हो जाए तो इसमें मैंने डाला हींग, हींग से टेस्ट भी है। तो हींग डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और एक फ्लेवर भी देता है, जो कि अरोमा इसका होता है वो बहुत पसंद आता है, हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है, या फिर हींग का स्मेल बहुत लोग को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 4-5 पोटैटो ले लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद यहाँ पे मैंने 4 पीस में कट कर दिए थे उसको, एक एक पोटैटो उसको, और इसको हम अच्छे से मीडियम टू लो आँच पर इसको बनाना है पूरी सब्जी को, और इसको हम भूनेंगे। और एक दो मिनट भूनने के बाद आलू को हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट हम पहले इसलिए डालते हैं कि पकाना हो, ये तो आलू पहले से ही बॉइल्ड है तो इसको वैसे ज़रूरत नहीं है। तो मसाले के साथ ही हम नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के अनुसार, 1/2 टीस्पून के करीब पिंच भर सॉल्ट डाल दिया सिर्फ कलर के लिए। और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च डाला, ये तीखी नहीं है वो बस कलर के लिए है, अगर आपको तीखी पसंद है तो आप तीखी वाली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और डालेंगे जो हमने भाजी मसाला बनाया था, धनिया और जीरे का क्रश,
तो इसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो ये मैंने ऐड कर दिया है, पूरा नहीं डालना है जितना बना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं मैगी मसाला ऐड करूँगी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से अब इनको ढक के भूनना है। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी डन हो गई है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लास्ट में एंड में जब उतारना हो तो हम यहाँ पर कस्तूरी मेथी डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी यम्मी से आलू जीरे की सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो सब्ज़ी डन हो गई है और यहाँ मैं लगाने जा रही हूँ पूड़ी का आटा। तो मैंने सोचा आपके साथ दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला है अजवाइन और मंगरेल को मैंने हथेलियों पे क्रश करके डाला है। इससे पूरे आटे में इसका ये आ जाए टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पर मैंने चुटकी भर सॉल्ट डाला है और इन दोनों चीज़ों को मिला लेंगे। इसके बाद मोमिंग के लिए आप घी, बटर, रिफाइंड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ, रिफाइंड तेल। तो इसको मैं थोड़ा सा, मैंने एक टू स्पून के करीब मैं डाल दूंगी। इससे क्या होता है पूड़ियाँ बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, आप थोड़ी देर बाद भी खाओगे तो पूड़ी इतनी ही सॉफ्ट रहेंगी। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को मिला के अच्छा सा एक डो बना लेंगे। हमारी पूड़ी की आटा ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए ना ज़्यादा गीली होनी चाहिए, मीडियम है जैसे रोटी की बनाते हैं वैसे ही। अगर आपको कचौड़ियाँ जैसी खस्ती खस्ती पसंद है तो आप टाइट आटा सानिए और सिम आँच पर पूड़ियों को तलिए। अगर आपको सॉफ्ट बनानी हो तो आप नॉर्मल आटा गूंथ सकते हैं। तो यहाँ आज पूड़ी क्यों बन रहा है और आलू जीटा बन क्यों बन रहा है, स्पेशल क्या है? तो स्पेशल ये है कि हस्बैंड ने कहीं स्टेटस देख लिया था किसी का और उनको बहुत मन कर रहा था पूड़ी खाने का। ऐसे पूड़ी हम बहुत बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है वीक में एक बार बन ही जाता है, संडे वनडे को, वीकेंड वकेंड को। तो आज संडे भी था और उन्होंने देख लिया तो यार पूड़ी खाने का मन कर रहा है। तो पूड़ी हम भी कभी ना नहीं बन पाते क्योंकि पूड़ी मेरी भी फेवरेट है। तो यहाँ पे गरम गरम रेड रेड सी पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई है और आलू जीरे के साथ आ हा क्या लाजवाब लग रही थी। ऐसी गरम गरम फूली फूली पूड़ियाँ देख के किसका किसके मुंह में पानी नहीं आया होगा। अगर आया होगा तो बनाइए और मेरे साथ बताइए कैसी बनी थी। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और अभी हो गई है दोपहर। तो यहाँ पे हम सावर लेने के बाद थोड़ा सा स्किन केयर कर रहे थे तो बहुत लोगों ने पूछा था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने लगाया है टोनर। टोनर के बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ। सिंपल सा रूटीन है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं फॉलो करती हूँ, बस सिंपल सा फॉलो करती हूँ। आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, टोनर लगाना है, दैट्स इट सावर लेने के बाद। तो बस वही था तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। आज था संडे और संडे के दिन पापा की ड्यूटी रहती है इनको नहाने की। तो ये दोनों की आज चल रही है मस्ती। पोश लगा लिए, पोश बस 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 भाई पाउडर है, होली क्यों खेल रहे? पाउडर 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 बोलो मम्मा, टी शर्ट दे दो, बोलो चिकी व्हाट इज दिस? Oh no! Oh yes! Oh please. Yellow or red or black? No, it's a gray. Head, shoulders, knees, and toes. And toes. Chiki bole dress. Posh. Powder. Powder. Very good. Powder. Powder. Pant. Chiki khud se pahanta hai. De do. पेन पेन। अरे वाह बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड गुड ट्राई स्वीटी स्वीटी हनी हनी आई लव यू आई ठीक है बात कर लिए पाउडर है वेस्ट मत करो। ये कैसे बनाते कहाँ बैठोगे? बेड पे चलो 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 बेड पे बेड पे बेड पे इस रूम में इस रूम में इस रूम में चलो 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 फास्ट 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 ये टॉवल हटाओ मम्मी। हाँ वेरी गुड।
चलो 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 चलो, ये सो जा सो जा सो जा, छोटू लग गया। थैंक यू। सो तो अभी हुई है शाम, शाम की चाय की जगह पे लस्सी पी रहे थे, वेदर आया है, क्या वेदर हुआ था। बेंगलोर का एक चीज है, आपको ना अगर रहने लगोगे तो यहाँ से इश्क हो जाएगा वेदर से। क्या वेदर होती है, डेली शाम को आंधी तूफान मतलब हवा चलने लगेगी, बारिश होने लगेगी, बस बैठ के मजे लो। और क्या करना ही है, हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह से अभी मिल रही हूँ, अभी हो रहा है रात के 11 o'clock, रात के 11 बज रहे। तो अभी हो गई है हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है, मैंने सारे किचन उचन क्लीन कर दिया है और दूध ठंडा होने का वेट कर रहे हैं कि बाबू को ले जा सुलाने के लिए। तो यही था मेरा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और चैनल पर विजिट ज़रूर करना है। और आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, मैं धीरे धीरे और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि नया एक अच्छा वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पर, सो किड्स से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए और सबको खुश रहिए। गुड नाइट, लव यू।